के इतिहासकारों ने उन्हें और उनके शौर्य को नकारते हुए इतिहास रचनाओं से विलुप्त कर दिया। ऐसे ही एक महानायक थे जयप्रकाश नारायण, कभी कांग्रेस के महासचिव, अति प्रतिभावान, आदर्शों के सिपाही। हजारीबाग जेल में असहनीय प्रताड़ना के बाद बेड़ियों को तोड़ भागना, पुनः जेल जाना, आजादी मिली और दो बार नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। अब उनका कार्य क्षेत्र भूदान और मानव सेवा का था। नेहरू की मृत्यु पश्चात उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनने को कहा गया, उन्होंने फिर मना कर दिया। वे माँ भारती के उपासक थे। सत्ता की लोलुपता ने उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं किया और जब इंदिरा गांधी की कुव्यवस्था, देश में व्यापक भ्रष्टाचार, कदाचार और सरकारी अत्याचार के विरुद्ध 1973 में अहिंसक मुहिम छेड़ा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वे जन नायक बन गए। 45 वर्ष बाद भी देश प्रेमी याद करते हैं। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अपने चारों ओर उठ रही आज तूफानी लहरों को समझ चुनौती निकल पड़ा है आज तरुण मर मिटने को। हर शहीद का बहाना हूँ यह बार बार दोहराता है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। गरज उठा आकाश प्रबल, झंझा का लक्षण दिखा है, भ्रष्ट व्यवस्था से आतंकित अंतिम जन भी चीखा है, बस लो अंतिम मौका है, फिर सारा देश हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ओ इतिहास, पहना दे उनको जयमाला वरदान की, जिनकी हृदय पीठ पर बसती तान अमर जयगान की। काल पुरुष ने जय प्रकाश के स्वर में यह ललकारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, भावी इतिहास हमारा है। दिल्ली की सत्ता हिल गई, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया, लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया। इंदिरा ने आपातकाल घोषित कर दी और सभी जयप्रकाश के समर्थकों को जेलों में ठूस दिया। भीषण अत्याचार का दौर चला, लोकनायक को दवा में जहर मिलाकर किडनी खराब करवा दी, संविधान सस्पेंड हो गया, संपूर्ण भारत इंदिरा और कांग्रेस का मूक गुलाम बन गया। गद्दार है जयप्रकाश, कहां इंदिरा ने, और सत्य, आदर्शों और संविधान को कैद कर लिया गया। 19 महीनों का अंधकार छटा, 1977 में पुनः चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी के आतंक को जनता ने नकारा और बीमार जयप्रकाश के आह्वान पर विपक्षियों की सरकार बनी। उम्मीदें बहुत थी पर जयप्रकाश के ही शिष्य आपस में सत्ता के लोभ में जनता और लोकनायक को दुखी कर बैठे। जयप्रकाश जी ने देह त्याग दी, सरकार गिर गई और इतिहासकारों ने जयप्रकाश को भुला दिया। उस आत्मा को जिसने भारत की आत्मा को जगाया था, भुला दिया उस जननायक को जिन्होंने अहिंसा की राह पर चल भी देश में सरकारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रांति का पाठ पढ़ाया।